कमर्शियल पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आज मैं हिंदुस्तान की वो हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। यूपी की जिम्मेदारी, यूपी की सत्ता जिसके हाथ में है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ साहब। ये उत्तर प्रदेश के यूपी के सीएम हैं। इनका एक बजट पेश हुआ है। कहा जाता है कि जिसके दिमाग में सिर्फ गाय और गोबर हो तो उस देश का तबेला बनना लाजमी है और उस देश का कुछ नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तबेला ही बनेगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी एक बजट पेश किए हैं जो इंटर कॉलेज खोलने के लिए इन 75 जिलों में, इन्होंने जो बजट लाया है 75 जिलों के अंदर इंटर कॉलेज खोलने के लिए 10 करोड़ रुपया, विश्वविद्यालय खोलने के लिए वो भी 10 करोड़ रुपया, और गौ रक्षा के लिए उन्होंने 447 करोड़ रुपया ये बजट पेश हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जिस देश का एक सीएम ये गाय और गोबर सिर्फ सोचता है, उस देश का तबेला बनना लाजमी है। आप खुद देख लीजिए इस बजट का कि क्या होता है। आज लोग हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ रहे हैं, बच्चे बगैर इलाज के तड़प रहे हैं, आज बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। जिन अस्पतालों को जिला अस्पताल के लिए जिनको एक बजट अच्छा होना चाहिए उनके लिए 50 करोड़ रुपया इन्होंने पेश किया है, और गाय के लिए और गौशाला के लिए 447 करोड़ रुपये। ये फैसला यूपी की जनता करेगी कि हमें करना क्या है। ये हमने योगी को लाया है ढूंढ के कि ढोंगी को लाया है ढूंढ के, हमने जो हमारी जिम्मेदारी पे बिठा दिया है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ और हाजिर हूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।